गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस, माई सेल्फ कृष्ण कुमार। तो एज यू नो स्टूडेंट, हम प्रीवियस क्लास में मनुष्यता कविता को कर रहे थे। कविवर मैथिली षडगुप्त की मनुष्यता कविता को हम प्रीवियस क्लास में कर रहे थे, और अब तक हमने उस क्लास में मीन्स इस कविता के अंदर अब तक हमने कविता की भाषा की विशेषताएँ, कविता की कथा वस्तु, कथा वस्तु मतलब किस विषय के ऊपर कवि ने रचना की है, किन विषयों को उजागर किया है, उसको हमने चर्चा की थी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में। आज की कक्षा में हम बच्चे इसकी व्याख्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अपनी बुक अपने पास रखिएगा, पेन या पेंसिल जरूर साथ होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपको यहाँ से वर्ड मीनिंग बताए जाएँ आप अपनी बुक पर उन वर्ड मीनिंगों को लिख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब आप कविता की व्याख्या को करो तो आपके पास वर्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी भी कठिन शब्द को लेकर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। तो स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेनेशन पार्ट, फर्स्ट काव्यांश को मैं करने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से हर एक शब्द का मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊँगा। विचार लो मीन्स अपने अंदर इस बात को समझ लीजिए, अपने अंदर इस बात को बिठा लीजिए। मृत्यु, आप मरणशील प्राणी हो, आपकी मृत्यु निश्चित है, जिसका इस धरती पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हम मृत्यु कहलाते हैं, मरणशील प्राणी हम कहलाते हैं। मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, न मतलब नहीं, मृत्यु मतलब मृत्यु मौत, डरो कभी। कवि कहता है कि विचार लो, आप इस बात को समझ लीजिए, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप मृत्यु हो, मृत्यु मीन्स आपकी मृत्यु निश्चित है, जो इस धरती पर जन्म लेकर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है तो न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। ये बात तो हम अच्छे प्रकार से जानते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है, एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी ही होगी। तो कवि कहता है कि फिर हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो, कवि कहता है मरना तो है ही और मृत्यु तो आएगी ही आएगी, इसलिए कहता है हमें मरना तो है ही, इसलिए मरो। परंतु यो मरो, परंतु हमें कुछ इस प्रकार से मरना चाहिए कि याद जो करे सब, कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करते रहें। जैसा कवि ने पहली लाइन में कहा था ना कि भी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मरो, मरना तो है ही, लेकिन कवि कहता है कि मरने से पहले कुछ ऐसे काम करके जाओ जिससे मरने के बाद भी लोग आपको क्या करते रहे, याद करते रहे। अगर आपको मरने के बाद लोग याद करते हैं तो कवि के अनुसार आपकी मृत्यु सुमृत्यु है, सुमृत्यु मीन्स अच्छी मृत्यु है, अदरवाइज आपका जीना क्या है, बेकार है। हुई नहीं यूं सुमृत्यु, अगर आपकी एक अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो व्यर्था मरे, व्यर्था मीन्स बेकार में ही, मरे मीन्स मर गए, व्यर्था जिए बेकार में ही आप जिए। तो कवि कहता है कि अगर आपकी सुमृत्यु नहीं होती, अच्छी मृत्यु नहीं होती, तो इस धरती पर आपका जीना और आपका मरना दोनों बेकार हो गए। अब अच्छी मृत्यु से यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि बहुत अच्छी तरीके से मरा जाए, अच्छी मृत्यु कवि ने बताया है कि जिस इंसान के मरने के बाद लोग यदि उसको याद करते हैं तो अच्छी मृत्यु है, और जिसके मरने के बाद लोग अगर याद नहीं रखते तो वो व्यर्थ की मृत्यु है। तो कवि कहता है कि हमें मरना तो है, मरो, पर मरने से पहले कुछ ऐसे काम करो कि लोग आपको याद करें, और जब आपको लोग याद करेंगे तो आपकी सुमृत्यु है, और अगर आपकी सुमृत्यु मीन अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो इस धरती पर आप जब तक जिए और आप मरे, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी ये दोनों चीजें। मरा नहीं, कभी कहता वो इंसान तो कभी मरता ही नहीं, जो जिया है आपके लिए, जो इस धरती पर आपके मीन अपने लिए, जो इस धरती पर नहीं जिया कभी भी, जो हमेशा दूसरों के लिए जिया है, कवि कहता है इस धरती पर वो इंसान कभी मरता ही नहीं, शारीरिक तौर पर हमें वो दिखाई नहीं देगा लेकिन हम हमेशा उसको याद करते रहेंगे। तो कवि कहता है कि वो इंसान कभी मरता ही नहीं,
जो दूसरों के लिए अपना जीवन जीता है, वही पशु प्रवृत्ति है। पशु मीन्स पशु, प्रवृत्ति मीन्स सोच, पशुओं जैसी सोच है, आप ही चले। कवि कहता है कि ये पशुओं में एक आदत होती है, पशुओं की ये सोच होती है कि अगर आप पशुओं को किसी चरागाह स्थान पर छोड़ दीजिए, चरागाह मीन्स जहाँ पर हरा घास हो, तो हर एक पशु की ये आदत रहेगी कि सिर्फ मैं चलूँ, दूसरा इस घास को ना चले। तो ये पशुओं की सोच होती है। कवि कहता है कि अगर इस धरती पर आने के बाद आप अपने लिए जी रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, तो फिर आपकी सोच किस जैसी है? पशुओं जैसी है। मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। इस धरती पर तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही व्यक्ति है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपना जीवन क्या कर देता है? कुर्बान कर देता है। आई होप आप ये पहला दोहा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सॉरी, पहला स्टैंजा काव्यांश सिंपल सी कह रहा है कवि कि भाई मरणशील है, मृत्यु हमारी निश्चित है, होगी, तो फिर मृत्यु से क्यों डरे? मरना है तो मरने से पहले कुछ ऐसे काम करके मरना चाहिए कि लोग हमें याद करें। जब लोग हमें याद करेंगे तो हमारी सुमृत्यु है, अच्छी मृत्यु है। और अगर हमारी सुमृत्यु नहीं होती, हमें लोग मरने के बाद याद नहीं करते, तो हमारा इस धरती पर जीना और हमारा इस धरती पर मरना दोनों क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। और कवि कहता है कि वो इंसान इस धरती पर से कभी नहीं मरता जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है, और जो दूसरों के लिए नहीं जीता उसकी सोच कैसी है? पशुओं जैसी सोच है उसके अंदर, क्योंकि पशुओं में ये आदत होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में चलना चाहते हैं, अपना अपना पेट भरना चाहते हैं। और अगर जिस दिन मनुष्य यही सोच लेगा तो उस मनुष्य की सोच भी किसके जैसी हो जाएगी? पशुओं जैसी हो जाएगी। और कवि कहता है कि इस धरती पर मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपना जीवन क्या करता है? कुर्बान कर देता है। दूसरा स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में कवि ने उदार लोगों के बारे में बताया। उदार मीन्स दयालु, जो लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर दया करते हैं उनके बारे में कवि ने बताया है। क्या कहा है? उसी उदार की, उदार मीन्स दयालु, जो इस धरती पर दयालु है, दूसरों के ऊपर दया करता है, जिसका हृदय बड़ा उदार है, जल्दी दूसरों के ऊपर दया आ जाती है, उसी उदार की कथा, कथा मीन्स कहानी, सरस्वती विद्या की देवी बखानती वर्णन करती है। जो व्यक्ति इस धरती पर उदार है, दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के ऊपर दया करता है, ऐसे व्यक्ति की कहानी को विद्या की जो देवी सरस्वती है वो खुद अपने मुंह से उसका क्या करती है? बखान करती है। बखान करने का मतलब है कि उदार लोगों की कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है, और इतिहास के पन्नों में लिखी जाने का मतलब है कि आने वाली पीढ़ियां उसको क्या करती रहेंगी? पढ़ती रहेंगी। बार बार ये विद्या की देवी, ये जो किताब है, ये बुक है, ये बार बार आने वाली पीढ़ियों को उस व्यक्ति के बारे में बताती रहेंगी। तो कहने का मतलब है विद्या की देवी सरस्वती अपने मुंह से उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को क्या करती रहती है? सुनाती रहती है। ये उदार होने का फायदा है। उसी उदार से और ऐसे दयालु व्यक्ति से ही धरा मीन्स धरती, कृतार्थ मीन्स कृपा भाव मानती, और ऐसे ही उदार व्यक्ति को तो ये धरती भी ये कहती कि भाई तूने मेरे ऊपर आकर क्या किया? उपकार किया, भला मानती है कि आपने इस धरती के ऊपर जन्म लिया। दयालु व्यक्तियों का यह धरती भी एहसान मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कृति कूंजती, ऐसे दयालु व्यक्ति की ही सदा हमेशा के लिए सजीव जीवित रूप में कृति नाम कूंजती गूंजता रहता है। ऐसे दयालु व्यक्ति का हमेशा के लिए नाम जो है गूंजता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति मरा नहीं है, अभी भी इसी धरती पर है, क्योंकि हमेशा लोग उसका क्या करते रहते हैं? नाम लेते रहते हैं दयालु व्यक्ति का। तो दयालु व्यक्ति धरती पर से कभी मरता नहीं है। तथा उसी उद्धार को, ऐसे दयालु व्यक्ति को समस्त सारी की सारी सृष्टि, ये सृष्टि पूजती पूजा करती है। ऐसे दयालु व्यक्ति की ये सारी सृष्टि क्या करती है? पूजा करती है। सृष्टि मीन्स ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, चांद तारे सूरज पूरी पृथ्वी, ऐसे व्यक्ति की क्या करती है? पूजा करती है। जो दयालु होता है उसकी पूजा करती है। अखंड आत्म भाव, जो असीम विश्व में भरे
अखंड बीज एक टुकड़ा, आत्म भाव मन के अंदर, दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, विश्व ये संसार बड़ा लंबा चौड़ा है इसकी कोई सीमा नहीं है। दयालु व्यक्ति क्या करते हैं, सभी लोगों के दिमाग में इस बात को डालते हैं कि ये सारा संसार जो है अलग अलग टुकड़ों में नहीं है, ये सारा संसार क्या है, एक टुकड़ा है। हमने इस संसार को क्या कर रखा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है और हम सिर्फ और सिर्फ अपने टुकड़ों के लिए क्या करते हैं, जीवन जीते हैं। उन टुकड़ों को भी हमने और छोटे टुकड़ों में कर रखा है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और सिर्फ पहले हम उनके लिए जीते हैं, फिर हम देश के लिए जीते हैं और फिर कई नंबर आ जाता है तो विश्व के लिए सोचते हैं। लेकिन जो उदार व्यक्ति होता है ना, वो ये कहता है कि ये सारा संसार टुकड़ा नहीं है, ये सारा संसार क्या है, एक ही टुकड़ा है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए बने, इस धरती पर मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही व्यक्ति है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपना जीवन क्या करता है, जीता है। आई होप ये दूसरा काव्यांश भी आपको समझ गया होगा। इसमें उदार लोगों की विशेषताएं बता रखी है कवि ने, और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कवि ने उदार लोगों की क्या क्या विशेषताएं बताई है। विशेषता नंबर वन कि उदार व्यक्ति की जो सबसे पहली विशेषता क्या होगी कि विद्या की देवी सरस्वती उसका अपने मुंह से वर्णन करती है। दूसरी विशेषता, ये धरती पर भी उसका एहसान मानती है। तीसरी विशेषता, हमेशा के लिए उसका नाम गूंजता रहता है। चौथी विशेषता, सारा संसार ऐसे व्यक्ति की पूजा करता है। और पांचवी विशेषता, वो उद्धार व्यक्ति ही होते हैं जो ये कहते हैं कि ये पूरा संसार अलग अलग खंड नहीं है, अलग अलग टुकड़े नहीं है, अलग अलग कंट्री नहीं है, ये पूरा संसार क्या है, एक है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपना जीवन जीता है। आई होप ये दो काव्यांश आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। नेक्स्ट की कल वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट काव्यांश की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।